हेलो भैया लोग, एक बार फिर से आप लोग क्यों स्वागत कर दानी आप चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। आज हम बतावे जा रहे बनी टॉप 5 हाईएस्ट पेड हीरो। तो नंबर 5 पे बारे निरहुआ जी, दिनेश लाल निरहुआ। इनका बारे में देखिए, कम से कम 10 से 15 लाख लेवल एक फिल्म के, और जॉन फिल्म में जितना प्रॉफिट होला ओकर शेयर भी ले करे ले बिहार यूपी, जितना से मतलब ओकर फिल्म की कमाई होता उनमें से प्रोड्यूसर से भी शेयर लेवे ले। और एक बाद आ रहा बड़े टॉप 4 पे जी, टॉप 4 पे खेसारी लाल यादव जी के युवा धड़कन के जान बाड़े। बहुत ही कम समय में अपन सक्सेस सुपरस्टार बन चुकल बाड़े। 30 से 35 लाख लेवल है एक फिल्म के, सिंगर एक्टर सिंगिंग भी कर लेवल है फिल्म में, और प्रॉफिट शेयर ये भी कर ले अपना फिल्म में से। प्रॉफिट शेयर मतलब थोड़ा में से। इसके बाद नंबर 3 पे बाड़े पवन सिंह जी, सिंगर एक्टर भोजपुरी के सांसा जो भी काली सुर के बादशाह। पवन सिंह जी अपना फिल्म खातिर 45 से 50 लाख लेवल है। अभी फिलहाल में खबर गदर जब सिंगर आई भाई तब से 70 लाख 60 लाख करीब मिले तारे। एक बात करी जा टॉप 2 जी, हाँ रवि किशन जी भोजपुरी और बॉलीवुड, इनका पूरे इंडिया में शोरबा। ये कम से कम 15 फिल्में एक साल में बना लेवे ले, 50 लाख लेवे ले, 45 50 55 भी चल जाला कभी कभी। तो वैसे प्रॉफिट शेयर इतना करे ले कि 50-55 ऐसे कुछ लेवे ले। ये बहुत ही अच्छा हीरो हवानी। एकरा बाद बाड़े नंबर 1 पे मनोज तिवारी जी, भोजपुरी फिल्म के जन्मदाता यानी आधुनिक फिल्म के जन्मदाता जी। हाँ, ये 50 से 55 लाख लेवल है अपना फिल्म के कोनो फिल्म को, और फॉरम प्रॉफिट शेयर भी जरूर लेवल है। मतलब जौन फिल्म जितना कमाई की सोकरा में से भी कुछ हिस्सा लेवल है, प्रॉफिट शेयर का मतलब भी है भाई। और एक बात, थैंक यू हमारे ये वाचिंग कहनी। बाय बाय, टेक केयर, अपन ध्यान रखम रहुआ सब। बाय बाय, जय।